हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है लीव नो ट्रेस। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और आईएमडीबी पर इसे 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बट मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सिर्फ ऐसी मूवीज देखने को मिलती है जिनसे आपका मोटिवेशन बूस्ट होता है और आपके अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत जागती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम है। टॉम अपने पिता विल के साथ बचपन से ही जंगल में रहती है। टॉम के पिता को PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, इसीलिए वो अपनी लाइफ अकेले में गुजारना पसंद करता है और उसके साथ टॉम को भी अपनी लाइफ लोगों से दूर जंगल में गुजारनी पड़ती है। टॉम के पिता विल आर्मी में रह चुके हैं, इसीलिए वो टॉम को रोज जंगल में सरवाइव करने की ट्रेनिंग देते हैं। ये लोग सिर्फ उसी दिन शहर में जाते हैं जब इन्हें कोई जरूरी सामान खरीदना होता है। विल अपनी बेटी टॉम को जंगल में रहने के बावजूद भी पढ़ाता है। एक दिन जब टॉम अपने शेल्टर के पास होती है तो वहाँ से एक जॉगर गुजरता है और वो टॉम को देख लेता है। टॉम उससे छुप जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर रेंजर्स आ जाते हैं। टॉम उन रेंजर्स से बचने के लिए भागती है, लेकिन वो रेंजर्स उनका पीछा करते हैं और वो रेंजर्स टॉम और विल को पकड़ लेते हैं। रेंजर्स उन्हें पकड़कर सोशल सर्विसेज के एक ऑफिसर को सौंप देते हैं। वो सोशल सर्विस ऑफिसर टॉम और विल को एक डिटेंशन सेंटर में डाल देती है, जहाँ पर वो टॉम का एक एग्जाम लेती है और उससे खुद भी बहुत सारे सवाल पूछती है। वो चौंक जाती है कि किसी भी स्कूल में ना पढ़ने के बावजूद भी टॉम आज के बच्चों से बहुत शार्प है। वो ऑफिसर विल और टॉम को एक क्रिसमस ट्री फार्म में ले आती है, जहाँ पर वो उन्हें एक घर देती है और इसके बदले में विल को सिर्फ उस फार्म में काम करना था। ये दुनिया टॉम के लिए बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वो कभी भी इतने लोगों के बीच नहीं रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में ही गुजारी थी। अगले दिन से विल इस फार्म में क्रिसमस ट्रीज को पैक करने का काम स्टार्ट कर देता है, लेकिन अभी भी सोशल सर्विसेज की वो ऑफिसर बीच बीच में विल और टॉम को देखने के लिए यहाँ आती है। इस फार्म में क्रिसमस ट्रीज को हेलीकॉप्टर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता था और हेलीकॉप्टर के शोर से विल को बहुत तकलीफ होती है। इस फार्म में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं और इन्हीं लोगों में एक लड़का होता है। टॉम की मुलाकात उस लड़के से होती है। वो लड़का अपने लिए एक छोटा सा घर बना रहा था। वो टॉम को वो घर दिखाता है और उसे एक लोकल यूथ क्लब में इंट्रोड्यूस करवाता है। टाइम गुजरने के साथ साथ टॉम यहाँ पर खुद को सेटल कर लेती है, लेकिन एक दिन जब वो सो रही थी तो उसके पास उसका पिता विल आता है और उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो दोनों इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। ये दोनों उसी शेल्टर के पास आते हैं जहाँ पर ये लोग जंगल में रहते थे, लेकिन उस शेल्टर को रेंजर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए विल और टॉम एक ट्रेन में बैठते हैं ताकि वो इस जगह को छोड़कर जा सकें, लेकिन वो ट्रेन खराब होती है। इसीलिए विल और टॉम को उस ट्रेन से बाहर आकर एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगनी पड़ती है। वो ट्रक ड्राइवर टॉम और विल को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। टॉम और विल उसी के साथ चले जाते हैं। वो उन दोनों को वॉशिंगटन में एक जंगल के पास ड्रॉप कर देता है। विल और टॉम उस जंगल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इस जंगल में बहुत ठंडी होती है जिस वजह से उनके लिए यहाँ पर रहना मुश्किल साबित हो जाता है। टॉम और विल जल्दी से एक शेल्टर बनाते हैं और रात उसी शेल्टर में गुजारते हैं। अगले दिन टॉम और विल को उसी जंगल में एक केबिन दिखता है। वो लोग उस केबिन के अंदर चले जाते हैं और इसी केबिन के अंदर ये लोग अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर बाद विल खाना लेने के लिए बाहर चला जाता है। टॉम उस केबिन में अकेली होती है। विल ने उससे कहा था कि वो जल्द ही लौट आएगा, लेकिन विल अगले दिन सवेरे तक नहीं लौटता, इसीलिए टॉम उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है। तभी एक जगह पर वो देखती है कि उसका पिता विल बेहोश पड़ा है और उसका पैर जख्मी हो चुका है। उस रास्ते से कुछ कॉर्ड बाइकर्स गुजर रहे थे, इसीलिए टॉम उन कॉर्ड बाइकर्स से हेल्प मांगती है।
वो विल को उठाकर एक जगह पर ले आते हैं। ये जगह दरअसल एक मोबाइल होम कम्युनिटी होती है, यानी यहाँ पर सभी लोग ट्रेलर्स में रहते हैं। टॉम विल को हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देती है। वहाँ पर आर्मी का एक मेडिक भी रहता था, इसलिए वो विल के पास आकर उसका इलाज करता है। लेकिन वो टॉम को बताता है कि विल अब बहुत देर तक नहीं चल पाएगा, उसका पैर बहुत जख्मी हो गया है, उसे ठीक होने में टाइम लगेगा, तब तक तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। यहाँ पर टॉम की मुलाकात डेल नाम की एक लोकल लेडी से होती है। डेल टॉम से पूछती है कि वो ऐसी लाइफ क्यों जी रहे हैं, लेकिन टॉम उसे कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद डेल टॉम को लेकर एक ट्रेलर के पास आती है जिसमें कोई नहीं रहता है। वो उसे वो ट्रेलर रहने के लिए दे देती है। टॉम अपने पिता विल को भी वहाँ पर लेकर आती है। वो लोकल लेडी जिसका नाम डेल है, वो टॉम को बीहाइव्स के पास लेकर जाती है और उससे बीहाइव्स के बारे में बहुत देर तक बात करती है। धीरे धीरे यहाँ पर टॉम रह रहे लोगों के साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगती है। अपने पिता विल को बिना बताए टॉम उस ट्रेलर की मालकिन डेल को कुछ पैसे देती है ताकि वो लोग उस ट्रेलर में रह सके। इस दौरान टॉम अपने पिता विल का बहुत ख्याल रखती है। टाइम गुजरने के साथ साथ विल का पैर ठीक होने लगता है। कुछ दिन बाद जब विल अपने पैरों पर फिर से चलने लगता है तो वो टॉम को अपना सामान पैक करने के लिए कहता है, यानी विल अब इस जगह को भी छोड़ने वाला था। हालांकि टॉम इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपने बाप के लिए वो इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अपना सामान पैक करके अपने बाप के साथ निकल जाती है। लेकिन जंगल में चलते चलते वो अचानक रुक जाती है और अपने बाप से कहती है कि जरूरी नहीं है जो चीजें आप पर बीत रही हैं वो मुझ पर भी बीत रही हो। अगर ये चीजें आप पर नहीं बीत रही होती तो शायद आप यहाँ रुक जाते। यानी अब टॉम अपने पिता विल से कहती है कि अब मैं और आपके साथ नहीं जा सकती, मैं यहीं पर रुकना चाहती हूँ। यहाँ पर दोनों बाप बेटी एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन है। वो गले लगकर बहुत रोते हैं और रोते रोते ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, दरअसल टॉम हिप्पीज की तरह जीकर अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब उसे रियलाइज होता है कि वो ये सब गलत कर रही है तो वो अपने बाप का साथ छोड़ देती है ताकि वो अपनी जिंदगी को सुधार सके। दोस्तों, ऐसा करना हमारे लिए भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम किसी ऐसी चीज में फंस जाते हैं जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते तो हमारे लिए उस चीज को छोड़ना ही बेहतर होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।